मुंबई। अभी अपन नवी मुंबई वाले एरिया में चल रहे हैं। या मैं गोवा से आ रहा हूँ, मतलब मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि पूरे दिन थकने के बाद मेरे को उदयपुर के लिए ऐसी रोड मिलेगी कि मेरी पूरी एनर्जी जो है ना। कभी कभी जिंदगी को अपने तरीके से भी जीना चाहिए, जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए। कल का इंतजार हमेशा नहीं करना है, क्योंकि कहते तो हैं कि 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन क्या पता अपने को 3 ही मिले हों। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू फ्रेश एपिसोड ऑफ महाराष्ट्र इन गोवा। यार फाइनली आज वो दिन आ गया जब अपन गोवा छोड़ के जाएंगे। यार मन तो नहीं कर रहा, मैं मतलब सुबह सुबह समंदर आ गया कि एक बार और बीच पे आराम से बैठ आऊँ, देख लूँ। बहुत ही प्यारी जगह है यार गोवा, ये कलंगुट बीच। जो माहौल है ना गोवा में वो कहीं और नहीं, मस्त है जिसको बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू। चलो भाई यहाँ से स्टार्ट होता है एक और सफ़र। लोग सरप्राइज हो जाते हैं, आप इतनी दूर कैसे जाओगे? मैं कहा जाएंगे भाई, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, हिम्मत कर लो तो भगवान भी मदद करते हैं, वही अपन भी करने वाले हैं। यहाँ से स्टार्ट हो गया, अभी मैंने पुणे का मैप डाला है क्योंकि पुणे के बाद अपन मुंबई की तरफ जाएंगे और मुंबई से फिर जो है थाने वाला रास्ता होते हुए मुंबई बाईपास करते हुए निकल जाएंगे सीधा। तो अगर मैं सीधा यहाँ से डाल रहा हूँ ना तो मेरे को पुणे से एमपी की तरफ ले जा रहा है मैप, तो मैं वो करना नहीं चाह रहा था। एमपी से नहीं जाना इस बार, सूरत, वडोदरा, उदयपुर और फिर अपना वही अजमेर, जयपुर एंड फाइनली गुड़गांव। और ये लो जी हाईवे पकड़ लिया। हाँ, क्या मज़े आ रहे हैं यार बाइक चला के। हाईवे पर बाइक चलाने का अपना मज़ा है यार। आप लोग निकलो यार ऐसे ट्रिप पे, एक सोलो ट्रिप पे, मतलब मज़े आएंगे, मतलब गारंटी दे रहा हूँ मैं। गोवा के यार ये रास्ते याद आएंगे यार, बहुत ही सही रास्ते हैं। मस्त पेड़ ही पेड़ है, ये नारियल है, पाम है, पता नहीं क्या है, जो भी है, बट ये मतलब बीचेस पे ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत ही सही लगते हैं यार, मतलब मस्त से। हर जगह की अपनी कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये पेड़ है। बीचेस तो और भी होंगे इंडिया में यार, और भी अच्छी अच्छी जगह हैं, लोकेशंस हैं, लेकिन गोवा की अपनी एक बात है। सामने आ चुका है हाईवे, अपन लेंगे यहाँ से लेफ्ट और आगे जाके हाईवे पर चढ़ जाएंगे। हाईवे आ गया जी, हाईवे आ गया, हाईवे NH 66। क्या रोड भाई, देख रहे हो हाईवे? एक बार फिर से आपको पूरा रूट बता देते हैं अपने 2000 किलोमीटर का। यहाँ से हम लोग पहले पुणे होते हुए थाने जाएंगे, ये रास्ता सीधा भी मुंबई जाता है बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आगे जाके ख़राब है। तो यहाँ से पहले पुणे होंगे, फिर थाने जाएंगे, फिर थाने से होते हुए सूरत, सूरत के बाद वडोदरा और वडोदरा से फिर उदयपुर, उदयपुर से फिर भीलवाड़ा होते हुए अजमेर, अजमेर से फिर जयपुर और जयपुर से गुड़गांव। फाइनली बीच बीच में जो रास्ते आएंगे वो तो मिलेंगे ही। उस दिन हम लोग जब आए थे गोवा तो ये रात हो गई थी, इस पैच पे तो दिखा ही नहीं था कुछ क्या है क्या नहीं। बड़ा सुंदर रास्ता है, देखो नदियाँ, इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं गोवा में। वैसे गोवा से जाने का किसका ही मन होता होगा, लेकिन वक्त की एक खूबी है, बदलता रहता है। आज मेरा जाने का टाइम है, लेकिन कल फिर से वापस आएंगे, क्योंकि वक्त की एक खूबी है, बदलता रहता है। बाय बाय गोवा, बाय बाय, आएंगे फिर जल्दी। तभी हमने फिर से ले लिया अम्बोली घाट वाला रास्ता, जिससे हम पिछले बार आए थे गोवा, तो अब आपको दिखाएंगे। उस समय अम्बोली घाट में आते समय अंधेरा हो गया तो दिखा नहीं पाए थे, थोड़ा सा पतला रास्ता है बट सुंदर रास्ता है। दिन के पहले 50 किलोमीटर पूरे हो गए एग्जैक्टली दोपहर के 12 बजे। रोड सो एंड सो है, थोड़ा सा पोर्शन अच्छा है फिर ख़राब है, अच्छा है फिर ख़राब है,
और बताओ बाकी भाई लोग, मजे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? मजे चलते रहने चाहिए, जर्नी में बोलना पड़ेगा टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ, अभी तो स्टार्ट ही हुई जर्नी बट होपफुली लास्ट किलोमीटर तक वाओ ही रहेगी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अम्बोली घाट, देख रहे हो कैसे जंगल से स्टार्ट हो गया। मस्त सा व्यू आता है भाई, काफ़ी देर से ट्रक वाले भैया जो है ना ये साइड ही नहीं दे रहे हैं यार, आगे निकलने ही नहीं जाने दे रहे हैं। काफ़ी बड़ा सा ट्रक है, छोटी सी रोड है, निकलने दो भाई निकलने दो। यहाँ से आपको घाटी का व्यू दिखाते हैं, देख रहे हो काफ़ी अच्छा व्यू है, मस्त सा बिल्कुल जिसको बोलते हैं। आई थिंक ये हम लोग सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ गए, बढ़िया व्यू है यार, मस्त सा मज़े आए यहाँ पे। चलो बहुत ज़्यादा टाइम किसी एक जगह नहीं लगा सकते क्योंकि भाई बहुत लंबा सफ़र है, बहुत ही लंबा सफ़र है। मैं सोच लेता हूँ मतलब 36 hours, अरे बाप रे। लोग फ्लाइट से 2 घंटे में गोवा से दिल्ली पहुँचते हैं, हम लोग बाइक से 36 घंटे में गोवा से दिल्ली पहुँचेंगे। एक सेंस में लोग बोलते हैं कि भाई ये तो पागल बने का काम है, मतलब ऐसा फितूर किसको होता है। यार अब जिसको होता है वो होता है, कुछ कर थोड़ी सकते हैं, जो राइडर है वो तो समझता होगा। क्यों भाई लोग जो ये व्लॉग देख रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं बाइक और राइड्स पसंद करता है, तो वो तो मानेगा भाई बाइक से लंबा लंबा दूर जाने का अपना ही मज़ा है। देखो लेफ्ट में पूरी घाटी, अम्बोली घाट आपकी नज़रों के सामने, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वाह। एक तरफ पूरा पहाड़ है, दूसरी तरफ पूरी घाटी घाटी। हमको मज़ा आती आती, हम बाइक भगाती भगाती। व्यू पॉइंट भी है यहाँ पे, अगर कोई रुक के नज़ारे लेना चाह रहा हो तो ले सकता है, नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं, बट हम दूर से लेंगे। घाटी बुलाती है मगर जाने का नहीं, रास्ता अच्छा है मगर बाइक ज़्यादा भगाने का नहीं। निकाल भाई निकाल निकाल निकाल, ट्रक को बड़े कर लेते हैं अदरवाइज पीछे रह जाएंगे। इसमें मेरा सामान है, जरा खोलो जरा। हाँ जी, मैं आना दारू वारू नहीं है सर, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली सर, दिल्ली से, दिल्ली से हो? दिल्ली से ही सर, गुड़गांव बगल में है ना। कब पहुँचोगे दारू वारू? हाँ जी दिल्ली सर, परसों पहुँचेंगे। थैंक यू। एक्चुअली गोवा से महाराष्ट्र में जो है ना अल्कोहल का टैक्स और वैट वैट अलग है, तो पूछते हैं कि कहीं आप दारू तो नहीं ले जा रहे हैं। सरकार के पैसा नहीं इधर उधर जाना चाहिए, बाकी कुछ भी इधर उधर चला जाए। अराउंड 150 किलोमीटर बाद जो है गोवा से हम पहुंच गए हैं NH 48 हाईवे पे, और यहां से अपन ले लेते हैं हाईवे। कहां से लेना है ये? ओह भाई अब आ गए हम पुणे बैंगलोर हाईवे में, उस तरफ जाओगे तो बैंगलोर पहुंच जाओगे, इस तरफ जाओगे तो पुणे पहुंच जाओगे। निकल लो निकल लो निकल लो। ओह काफ़ी देर बाद अच्छी रोड आ गई, हालांकि वो रोड भी अच्छी है। अराउंड 150 किलोमीटर अगर आप पुणे से गोवा जाओगे वाया निपाणी तो 150 किलोमीटर का हाईवे नहीं है। अभी शाम हो गई लगभग एग्जैक्ट 5 किलोमीटर हमने चला लिए हैं, 223, काफ़ी कम किलोमीटर चलाया एक्चुअली आज। मैं पहले दिन अभी कोई मतलब तिल पुणे एक बार हाईवे मिलता है ना, जैसे इस हाईवे पे भीड़ बहुत है, बीच बीच में पैच बहुत ही अच्छे हैं इसमें, बाकी बीच बीच में जब कोई टाउन आता है तो अच्छी भीड़ हो जाती है। ये देखो पहाड़ के पीछे मस्त सनसेट हो रहा है, बिल्कुल देख रहे हो कितना बढ़िया व्यू मिल रहा है। लो छुपी गया पहाड़ के पीछे। टाइम हो गया 5:40 और तेज़ी से रगड़ी है बाइक, 270 किलोमीटर पूरे हो गए आज के दिन के, और अभी तो बहुत सारे किलोमीटर्स बाकी हैं आप हम और ये रास्ते पहुँच जाएंगे। महाराष्ट्र ने भी जाते जाते तोहफा दिया और इस सफर की सबसे सुंदर शाम दिखा दी। ये देखो यार क्या बढ़िया सनसेट होने वाला है, शाम का बज गया है एग्जैक्ट 17:44। मस्त ये खड़ी अपनी बाइक,
मजे आ रहे हैं यार, सीरियसली मजे आ रहे हैं। दिल खुश कर देने वाला माहौल है अभी यहाँ पे। मतलब ये चश्मा चेंज करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। मस्त सा सनसेट इंजॉय कर लिया यार, सारा कुछ साफ़ कर लिया। इतने धूल जम जाती है ना धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलता, आपके मोबाइल पे नीचे बाइक के डिस्प्ले पे पूरी धूल जम जाती है। फिर ये रियर व्यू मिरर्स पे सब साफ़ कर लिया मैंने, और मेन चीज़ साफ़ करना भूल गया अपनी बाइक का वाइजर हेलमेट का। ऐसा होता रहता, कहीं रुकेंगे तब कर लेंगे। दिख रहा है अभी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चश्मा मैंने अपना चेंज कर लिया है। अरे यार आग लगा रखी है लोगों ने। और घाटी देखो आप कितनी सुंदर है ना, रेड रेड सा सनसेट हुआ है, पूरा मस्त सा नज़ारा आ रहा है। बस ये है कि आग लगा दी किसी ने बीच में यार, ये तो नहीं करना चाहिए था। ये टाइम में मैं सबसे ज़्यादा चार्ज रहता हूँ बाइक चलाने में, क्योंकि ये टाइम ना सबसे सुंदर टाइम होता है मेरे को, मतलब पर्टिकुलर बहुत पसंद है। दो घंटे की राइडिंग के बाद एक और छोटू नन्नू मुन्नू ब्रेक लेते हैं। जगह का नाम है सदगुरु शुद्ध शाकाहारी, यहाँ रुक के चाय वाय पीते हैं। सदगुरु में लगा दी अपनी बाइक, देखो बिल्कुल ऐसे रेस्ट मारती हुई, यहाँ पर अपनी बाइक करेगी रेस्ट और अपन चलेंगे अभी जल्दी से, कुछ खाएंगे पियेंगे। सेना चार्जिंग में लगा दिया है, मस्त सा माहौल रखा है। अपनी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है आफ्टर 320 किलोमीटर्स। वो वाला रास्ता थोड़ा थकान भरा है, मतलब उतना आसान नहीं है, थोड़ी दिक्कत तो होती है। आवाज आ रही होगी क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है अभी। अभी मैंने मैप चेंज करके थाने का कर लिया है। थाने सोइंग की रात में 12:30 बजे पहुंचेंगे यार। मैंने अपना आईफोन भी चार्जिंग में लगा लिया है, सारे गैजेट धीरे धीरे चार्ज करने रहते हैं। ओ भाई फिर से अगेन कैचिंग अप द हाईवे। अब मौसम बहुत ही बढ़िया हो गया है, प्लेजेंट वेदर हो गया है पुणे में। पुणे तो अभी दूर है, थोड़ा थोड़ा रेस्ट जरूरी है जब भी आप हाईवे पे चल रहे हो। अगर रेस्ट नहीं लोगे तो आप ज़्यादा थक जाओगे। बेटर है कि आप 2-2.5 घंटे चलाने के बाद एट मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे चलाओ, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट का मिनिमम ब्रेक लो। मैं तो आधे आधे घंटे के लेता हूँ, चाय वाय पी के आराम से निकल रहा हूँ। लो जी पहुँच गए पुणे 417 किलोमीटर बाद। लेफ्ट में पुणे शहर देख लो, आगे पुणे शहर का ट्रैफिक देख लो। दोनों चीज़ें एक साथ देख लो। अपन यहाँ रुकें रुकेंगे नहीं, निकलते जाएंगे क्योंकि थाने पहुँचना है आपको। थाने से पहले अपन लगा देंगे सीधा गुड़गांव का मैप, जो हमको पूरा रास्ता दिखाएगा। अभी थाने यहाँ से 154 किलोमीटर, आगे 30 पीछे 41, 41 देखो कम है कि ज़्यादा है। ज़्यादा थी हवा, मेरे को लग रहा था हवा एक्चुअली ज़्यादा हो गया था मेरे को, मतलब आइडिया लग रहा था, क्योंकि बम्प्स पे बहुत ज़्यादा उछल रही थी बाइक। आगे मैं जब गुड़गांव से चला था मैंने 31 भराया था, अभी 34 हो गया अपने आप। क्योंकि मेरे भी टेम्परेचर का डिफरेंस रहा होगा, जब भराया था वहाँ 10-11 टेम्परेचर था, यहाँ 30 डिग्री है, तो थोड़ा एयर एक्सपेंड हुई होगी, ये हो सकता है। अभी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है, बिल्कुल सही हो गई। तो ज़्यादा हवा भी डेंजरस है भाई। मुंबई 133 लोडांवाला 36, तो मुंबई तो अपने को जाना नहीं है। थाने सोइंग 125 किलोमीटर, तो थाने से ही हम लोग एग्जिट ले लेंगे। अभी हम पुराने वाले पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं, क्योंकि हाईवे पे, क्योंकि जो एक्सप्रेसवे है यार मुंबई पुणे, उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, तो अपन इससे ही चलेंगे। और मैंने सुना है यार ये रूट बड़ा सुंदर है, बट हम रात में क्रॉस करेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। क्या करें जब आपको कुछ लंबे टारगेट्स पूरे करने होते हैं लाइफ में, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। Everything comes with a cost. इस रोड पे ना सामने वाले जो लेन है उसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है आँखों में यार, मतलब ये डिवाइडर कुछ लगाए हैं बट ये सही काम नहीं कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सामने से रिफ्लेक्शन आ रहा है कि अपनी तरफ से कुछ दिख ही नहीं रहा है। भयंकर घाट ही घाट के बीच से चल रहे हैं हम लोग इस समय, भयंकर वाले जिसको बोलते हैं भाई। पता नहीं कौन सी जगह है, बट ये शहर जो है ना इतना सही दिख रहा है यार, मोबाइल कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। मज़े से आ गए, जल्दी से चलते हैं भाई, रास्ता खतरनाक है ये। पनवेल आ गया भाई, जल्दी करो सुबह पनवेल निकलना है। मजाक में पनवेल के पास आ गए यार। जरा मैप लगाते हैं फॉर होम, क्योंकि बहुत देर से मैप मैंने थाने का लगा रखा था, बट आई थिंक नाउ इट्स द टाइम। पहले हजार जलाते हैं, बाइक बंद करते हैं और मैं आपको चेंज करते हैं गुड़गांव करें। ये लो होम। लो भाई एक दिन 2 घंटा 1408 प्लस 529 देखिए 1930 किलोमीटर। इसको कर देते हैं स्टार्ट। लो भाई
अब स्टार्ट हो गई मैप में भी जर्नी भाई। अभी तो बहुत देर चलानी, 1400 किलोमीटर चलानी है भाई। मुंबई, अभी अपन नवी मुंबई वाले एरिया में चल रहे हैं या चलने पहुंचने वाले हैं। पूरा मुंबई तो नहीं घूम पाए लेकिन नवी मुंबई टच करके जाएंगे, फिर हम थाने निकल जाएंगे, इतना तो हमने कर लिया है। और यहाँ लोग मस्त गेड़ियाँ मार रहे हैं फ्लाईओवर पर खड़े होकर। मुंबई से निकलते हुए लगा कि इतनी दूर आए लेकिन देख नहीं पाए, फिर सोचा कि कोई बात नहीं, आज छू लिया है कल पा भी लेंगे। यार मेरा हमेशा से बाइक से मुंबई आने का ड्रीम था भाई, मुंबई तो नहीं आ पाया लेकिन नवी मुंबई तो आ गए, ये भी मुंबई ही है, ये ड्रीम भी पूरा हो गया। हालांकि रुका नहीं, मेरे को बुरा लग रहा है, बहुत सारे भाई लोग बोले थे मिलके जाना भाई, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, टेंशन ना लो, मिलके जाएंगे। एनीवेज अभी थाने की तरफ बढ़ चुके हैं, थाने की तरफ। मुंबई शहर कभी सोता नहीं है ये सुना तो था, आज देख भी लिया भाई। आगे दिखा रहा है जाम 27 मिनट का, ये देख रहा मैप में पूरा रेड रेड, ये क्या हो गया भाई। जहाँ तक नज़र जा रही है ट्रक ही ट्रक दिख रहा है। चलो भाई एक ब्रेक तो लेना बनता है, यहीं ले लेते हैं। क्या चीज़ गड़बड़ा हुआ जा रहा है? वो रेडिएटर ठंडा हो रहा है। रेडिएटर ठंडा हो रहा है। अच्छा हाँ। भैया से चाय और पैटीज मांगी थी तो ब्रेड पकौड़ा दे दिया पैटीज की जगह। मस्त हिसाब चल रहा है। एनीवेज रात का घड़ी भी डिस्चार्ज हो गई यार, पता नहीं कितना बज गया, आई थिंक डेढ़ बज रहा है एग्जैक्टली। और चाय पीने के लिए रुके, थक गए यार, पिछले 3 घंटे से बाइक चला रहे थे, हालत ख़राब हो गई पूरी। हाईवे बहुत ज़्यादा चलता है यार ये वाला, वो अपनी बाइक खड़ी है। ये देखो इस बार मैंने अपने ब्लिंकर्स भी जला लिए पीछे वाले, बढ़िया लगेंगे देखने में। बड़ा रिलैक्स मिला यार रुक के, 15-20 मिनट रुका मैं वहाँ पे। बाकी अब आप सफ़र बोल सकते हो, गोवा वाला पार्ट तो निकल गया, अब तो मुंबई से दिल्ली। वाओ, अब ये नहीं पता गुजरात में घुस गए हैं या घुसने वाले हैं, पता नहीं अभी कहाँ घुसने वाले हैं, अभी का टाइम होगा। अहमदाबाद इज 436, सूरत इज़ अराउंड 220। सबसे पहले जो बड़ा शहर आएगा वो आएगा गुजरात का सूरत। बस बड़ी दिक्कत हो रही है यार सामने से लाइट की, देख रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, पता नहीं बीच के डिवाइडर में क्या किया है, समझ ही नहीं आ रहा है। सूरत इज़ 176, दमन इज 65। अभी रोड बिल्कुल अच्छी हो गई है, अब देख रहे हो ट्रैफिक कम हो गया है और जो बीच का बैरियर है वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया है, और अपनी लेन में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है इस वाली में, अच्छी स्पीड से भी मेंटेन हो जा रही है। 3 बजने वाला है रात का यार, अब कहीं थोड़ा सा रेस्ट थोड़ी देर बाद लेंगे, मतलब 1-2 घंटे कहीं आराम से पावर नैप जो है वो लेंगे, क्योंकि सुबह 10:30-11 से निकले हैं हम लोग, बाइक स्टार्ट करी थी, और वो गोवा वाला स्ट्रेच यार काफ़ी ज़्यादा थकाओ स्ट्रेच है भाई गोवा से पुणे का। लोग पूछते हैं कि इतनी दूर अकेले जाते हो डर नहीं लगता? अकेला कौन है यार, प्यार के 2 शब्द बोलो तो सही, फिर सब अपने हैं। ढाबे वाले अंकल ने जब देखा कि मैं थका हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है तो अपने घर से खाट मंगा दी और बोले कि आप आराम कर लो। बोला ना, प्यार से 2 शब्द बोलो तो सही, फिर सब अपने। ये खड़ी अपनी बाइक और ये पड़ी अपनी खटिया और ये लेटे थोड़ा खाना खा के, मैं थोड़ी रेस्ट मारते उसके बाद निकलेंगे। टाइम अभी हुआ है 3:30, 1.5 घंटा सोते हैं आराम से, बिल्कुल शेड्यूल पे चल रहे हैं, उसके बाद बाइक उठाएंगे निकल लेंगे। बहुत दिनों बाद हाईवे पे खटिया पे सोए यार, इसका भी अपना मजा है। अब थोड़ी देर सोते हैं उसके बाद मिलते हैं। अब यार मस्त नींद ली मैंने 1.5 घंटे की, बिल्कुल फ्रेश हो गए मस्त से। अभी क्या टाइम एग्जैक्टली हो गया है 5:37, अब यहाँ से चलते हैं, अभी भी 22 घंटे के राउंड बाइक चलानी है, मतलब बहुत चलानी है, तो जल्दी से यहाँ से पैक करते हैं सामान और निकलते हैं होटल तुलसी। अभी महाराष्ट्र 25 किलोमीटर और चलेगा, उसके बाद गुजरात लग जाएगा, फिर गुजरात में बाइक चलाएंगे मस्त सी अपनी। अब कोशिश करेंगे कि सूरत में रुकें चल के सीधे। काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग हो गया यार, बीच बीच में आराम कर लेना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है। अब अपन खींचते हैं लाइन से कम
दो ढाई घंटे बाइक चलाते हैं, फिर रेस्ट मारेंगे। एक बार उजाला हो जाएगा ना उसके बाद बाइक अच्छे से चलाते बनती है। अभी क्या अंधेरे में उतना अच्छा दिखता नहीं है, थोड़ा सा उजाले का वो आ गया है जो कहते नहीं इफेक्ट आ गया है, मतलब सुबह होने ही वाली है। क्या बात है जी, क्या बात है भैया ने बढ़िया, मैं कहा उन्होंने बोला आपको नींद आ रही है क्या, मैं कहा हाँ नींद आ रही है। उन्होंने बढ़िया खाट लगा दी यार, ऐसा सोया मैं मस्त। सूरत यहाँ से रह गया 133 किलोमीटर और सिलवासा इस 13 रोड बढ़िया है, ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है और इंजॉयमेंट फुल है। एक और स्टेट में अपनी बाइक ने जो है एंट्री मार ली, अपना गुजरात। सूरत के साइड से होते हुए हम निकल जाएंगे बाईपास से। रात की बात कोई नहीं करता, लेकिन रात की भी अपनी अहमियत है। अगर रात नहीं आएगी तो सुबह की क्या कीमत है ये पता कैसे चलेगा। शानदार पूरी और सब्जी आ चुकी है अपनी। अभी अपन मस्त सनराइज का एक ड्रोन फ्रेज लिया, जल्दी दिखाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पिछली बार के कंपैरिजन मेरे को ब्रेक ना इस बार ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं, मतलब मैं जल्दी थक जा रहा हूँ। 2 घंटे राइड के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को रुक जाना चाहिए, तो मैं रुक भी जा रहा हूँ। कोई हड़बड़ी नहीं है, अपने को धूल ही धूल है। ड्रोन उड़ाया तो उसमें भी कुछ फुटेज आ ही नहीं रहा, इतनी धूल है। जैसे ही राइड स्टार्ट करो उसके बाद 5-10 मिनट जो मजे आते हैं ना बाइक भगाने में, भाई कसम से। एनीवेज अभी हम सूरत शहर क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा शहर है। अब यहाँ से भरूच अराउंड 90 किलोमीटर है और वडोदरा है 120 किलोमीटर। गर्मी अभी यहाँ पे है यार, मतलब अभी वो सर्दियों वाला मौसम आया नहीं, वो वडोदरा के बाद उदयपुर से पहले पहले फिर सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। जिसको अगर दिल्ली से पुणे या गोवा जाना हो ना, वो MP वाला हाईवे ले भाई, ये वाला हाईवे ना ले, ये उतना अच्छा नहीं है भाई, बहुत ट्रैफिक है इस पे। जब तक एक्सप्रेस वे ऑन नहीं हो जाता दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो अगर अभी तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं गुड़गांव दिल्ली से पुणे गया था नॉन स्टॉप, तो उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में, वो भी देखो यार, बहुत बढ़िया वीडियो है। यार अगर आपको सीरीज़ की वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहना। काफ़ी मेहनत लगी है ये वीडियोज़ बनाने में, बहुत लंबा राइड लगाया है। गोवा तक पहुँचने में मतलब आसान नहीं था, बट किया किसी तरीके से। भरूच शहर को हमने बाईपास कर लिया है और वडोदरा यहाँ से 77 किलोमीटर रह गया है, 891 किलोमीटर टोटल हम बाइक चला चुके हैं। व्हाट अ टफ रोड मैन, ट्रकों के बीच से निकाल के मैं धूम का जॉन अब्राहम बन चुका हूँ इस समय। धूम धूम धूम, मतलब अगर आप यहाँ सीधे सीधे चलाओगे ना आप निकल ही नहीं सकते हो आगे, इतना ट्रैफिक है यार। ये ब्रिज बड़ा शानदार सा लग रहा है, मस्त एकदम। नर्मदा नदी के ऊपर ये नीचे बह रही है नर्मदा नदी। भरूच शहर हम क्रॉस कर रहे हैं। भरूच के बाद से जो रास्ता है ना वो अचानक से अच्छा हो जाता है। भरूच बाईपास जैसे ही लिया उसके बाद से रास्ता अच्छा हो गया, ट्रैफिक भी कम हो गया। ना चाय पानी ब्रेक ले लेते हैं यार। अभी मैं एक पाले जी और पानी ले आया था, वो आराम से पी लेते हैं। ओह थक गए यार, 900+ किलोमीटर हो गए। अब हाईवे बहुत ही बढ़िया है यार भरूच के बाद से, और अपने हालात कुछ ये हो रखे हैं, मतलब भयंकर हालात हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नई नई हो आँखें तो हर मंजर अच्छा लगता है, लेकिन कुछ वक्त बिताओ जब शहरों में तो फिर सिर्फ घर अच्छा लगता है। सुंदर शहर वडोदरा आने वाला है, अभी 50 किलोमीटर दूर है। तो बिस्किट और पानी पी के काफ़ी एनर्जाइज्ड फील हुआ।
रास्ता अच्छा हुआ तो मेरे को इतना सुकून मिला है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। अब शायद पूरा रास्ता अच्छा ही है जयपुर तक, जयपुर के बाद फिर ख़राब है, गुड़गांव तक का रास्ता उतना अच्छा नहीं है। वडोदरा इज 7 किलोमीटर्स। ये जो शहर आपको दिख रहा है सामने फैला हुआ बड़ा सा, ये वडोदरा या बड़ौदा, बड़ौदा अपन पहुंच गए, काफ़ी टाइम से पहुंच गए यार। अब यहाँ से हम लोग निकल लेंगे उदयपुर के लिए। ये जिस रोड पे हम जा रहे हैं ये सीधा अहमदाबाद भी जाती है, तो अगर किसी को अहमदाबाद जाना हो तो भी यही रोड है। अहमदाबाद यहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर दूर है अभी बड़ौदा से। हम लोग आगे जाके राइट टर्न लेके चले जाएँगे उदयपुर की तरफ। अब इस रास्ते में जैसे जैसे राइट जाते जाएंगे ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम लोग सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। अब वहाँ ठंड है भाई, ये लो जी मार दिया टर्न। अब रोड पता नहीं कैसी है, ये रास्ता मैं पहली बार जाऊँगा तो मेरे को अंदाज़ा नहीं है। और आप लोग भी कभी प्लान बना लो दिल्ली मुंबई मुंबई, कभी बाइक से गाड़ी से कुछ है कहीं तो घूमो यार, घूमते रहो यार, ऐसे ही लाइफ में टारगेट पूरे होते हैं और कुछ नहीं। नहीं मैं गलत, हाँ नहीं सही जा रहा है। वेलकम टू वडोदरा हलोल रोड। थैंक यू जी, थैंक यू। रोड स्टार्ट होते ही टोल आ जाता है पहले टोल। यार अभी तक तो रोड काफ़ी अच्छी है हलोल वाली, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं, काइंड ऑफ खाली ही है। यार ये रोड तो बहुत ही सुंदर है, मतलब बड़ो अब तक की पूरी फ्रॉम गोवा टू वो टिल द पॉइंट जो वडोदरा से हलोल की रोड है ना, बहुत ही सुंदर, और ट्रैफिक भी बिल्कुल मतलब नॉर्मल सा ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इंजॉय कर लिया मैंने इतनी देर में इस रोड को, और इतनी सीनिक रोड है ना, मतलब सुंदर सी, आपको ऐसा लगे कहीं फॉरेन ऑरन में आप आराम से राइड करते चले जा रहे हो। अभी एक ही रास्ते में होटल सहयोग आया, यहाँ मैंने बाइक लगाई, उसके बाद मैंने पानी लिया और ये लिए सिंग दाना बोलते हैं यहाँ इसको, ये है एक्चुअली मैं मूँगफली। 5-10 मिनट का रेस्ट मारते, टाइम हो गया है 12:30 बज गया और अभी तो बहुत सफ़र बाकी, बहुत गर्मी है यार, तो एग्जॉस्ट हुए जा रहा है एक्चुअली में, दिक्कत ये है और कुछ परेशानी नहीं आ रही। थोड़ी देर के लिए मैंने जैकेट उतारी, इतनी ज़्यादा गर्मी है, पूरे पसीने से नहा गया मैं, और इस जैकेट में ना मेरी बाइक में कुछ हो गया भाई, बहुत तेज आगे से आवाज़ आ रही है। उदयपुर यहाँ से अराउंड 270 किलोमीटर है, मतलब 4.5 घंटे। रोड अच्छी है पूरी, लेकिन मैंने मैप गुड़गांव का ही लगा रखा है, 15 घंटे 20 मिनट। एनीवेज अपने 1000 किलोमीटर पूरे हो गए, वो 1043, मेरे को पता ही नहीं चला 1000 किलोमीटर पूरे हो भी गए। उदयपुर अभी भी यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और गुड़गांव अभी यहाँ से 14 घंटे दूर है भाई। गुड़गांव पहुँचना तो भाई बहुत मुश्किल काम है। बॉडी जो है पूरी थक रही है मेरी, देखते हैं यार, अगर नहीं बना तो उदयपुर में ही रुक जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्योंकि ऑलरेडी कितना 24-29 घंटे से मैं रोड पर ही हूँ। जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि उदयपुर में रुक जाएंगे, दिल ना खुश सा हो गया यार, क्योंकि गुड़गांव तो भी बहुत दूर है, इतना झेला नहीं जाता मेरे से। और फिर मैं कहा है ना, जब थक जाओ तो उससे ज़्यादा बाइक नहीं चलानी चाहिए। रोड क्या सही है और क्या सीधी रोड, बहुत ही अच्छी। ये देखो पूरा मस्त सा पहाड़ों को काट के निकलता हुआ रोड भाई, बेहतरीन। रोड पे ना आया वो एक बार जरूर आया इस रोड पे, इतनी सही रोड मैंने आज तक नहीं देखी। और ये पहाड़ों के बीच से ऐसी बढ़िया रोड है उदयपुर, जो भरूच से आ रहा है, मतलब हलोल के बाद से खतरनाक रोड है यार, मतलब दिल खुश हो गया, बिल्कुल फ्लैट रोड है, जितना मन उतना भगाते चले जाओ, कोई है ही नहीं, बिल्कुल खाली। इसको कहते हैं रोड।
क्या रोड है भाई, मेरा तो रुकने का मन कर गया है। और इतना सही व्यू है, क्या हाईवे यार ये जो नहीं आया भाई, एक बार जरूर है, दिल आपका खुशना हो जाए तो कहना। ओहो आपकी बाइक में जितनी कैपेसिटी है ना, सब यूटिलाइज कर लो इस रोड पे। रियली फिनोमिनल भाई, मतलब मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि पूरा दिन थकने के बाद मेरे को उदयपुर के लिए ऐसी रोड मिलेगी कि मेरी पूरी एनर्जी जो है ना फिर से वो वरना खतरनाक। ओ मैन क्या रोड है यार उदयपुर की, क्या रोड है। क्रेजी रोड मैन, क्रेजी रोड। कल से मेरी सीट बदल जाएगी, बाइक की सीट दफ्तर की सीट बन जाएगी। कल से हवा के थपेड़े नहीं लगेंगे, कल से मौसम की मार भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये सीट छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कल से दर्द तो कम हो जाएंगे लेकिन दुख बढ़ जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए सिटी ऑफ लेक्स यानी कि उदयपुर। घूमने का मन तो है लेकिन इतना थके हैं यार, 1310 किलोमीटर बाइक चला रहा हूं मैं कंटिन्यूस गोवा से लेके उदयपुर। प्लान तो मेरा भाई साहब सीधा गुड़गांव तक का था लेकिन हाँ प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है यार, 2000 किलोमीटर बाइक चलाना बैक टू बैक कंटिन्यूस मुश्किल काम है। तो अपन अभी उदयपुर में ही ब्रेक लेंगे, अराउंड 1320 किलोमीटर पे हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा। लेक पिचोला देखने का मन तो हो रहा है लेकिन देखें कैसे, क्योंकि नींद भी आ रही, थके भी हैं यार, काइंड ऑफ थकावट दूर हो गई मेरी इस रास्ते पे राइड करके, सही बता रहा हूँ। हैं मैं गोवा से आ रहा हूँ, गोवा से 1315 कल रात में स्टार्ट किया था, रात कल आधा दिन पूरी रात, आज पूरा दिन। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, छुट्टियां कम मिलता है ना ऑफिस से तो घूमना पड़ता है। हेलमेट यार हेलमेट उतारना बहुत टेढ़ा काम है यार, लोग डर जाते हैं 1315 किलोमीटर सुन के। कुछ तो बढ़िया से कर लिया, कहाँ जाना है रे हमें। वैसे हालत तो इतनी खराब थी कि हिलने का भी मन नहीं था, लेकिन इतने सुंदर शहर आए हैं तो थोड़ा घूमना तो बनता है। और वैसे भी किसी ने खूब कहा है, थके तो मैं दोस्त लेकिन हारे नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।